हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, मेरा नाम है देवेश, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सबने मेरी वीडियो देख रही होंगी। तो आज की वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ कैपजिमना है। तो मैंने कंपनी, अपनी फर्स्ट कंपनी जो मेरी थी, एंड दैट इज़ स्टिल इन माई हार्ट। एंड मेरी उस कंपनी में लास्ट के मोमेंट्स, मैंने लास्ट के टाइम में क्या किया था, कैसे मेरी टीममेट्स ने सबने सेलिब्रेशन किया था, मेरी लास्ट की स्पीच क्या थी एंड मैंने क्या चीज़ बोला था, सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर एक क्लिप्स आप देख लेना, वीडियो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सबने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ग्राउंड लेवल पे देता हूँ, ओरिजिनल वीडियोज चीज़ें बताता हूँ, कुछ भी ओवर फ्लेवर्ड नहीं। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलते हैं वीडियो पे डायरेक्टली। तो गाइस कैपजिमना में मैं जब लास्ट डे गया था तो मेरे को आज भी याद है, मेरा कुछ इवनिंग का शिफ्ट था। मैं 11 बजे शिफ्ट कैब लेके पहुंचा था एंड सब मेरा वेट कर रहे थे, सबको पता था कि मेरा लास्ट डे है, मेरा सारा क्लियरेंस हो गया था। आप जब MNCs में रहते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियरेंस में होती है कि आपको लैपटॉप देना है, आपकी जो फैसिलिटीज़ आपको दी रहती है वो चीज़ देना है, फिर आपको ID कार्ड अपना देना है, फिर आपको जो जो एक्सेस मिला रहता है वो सारे एक्सेस आपको डिनाइड करने रहते हैं, फिर आपके अप्रूवल्स, HOD के अप्रूवल्स, सीनियर मैनेजर के, फिर मैनेजर के, फिर सुपरवाइज़र के। सो गाइस मेरे जो सुपरवाइज़र थे सुधीर, उन्हें मैं सब चीज़ बताया था, सो ही वॉज नोइंग कि कौन सा सिचुएशन से मैं जा रहा हूँ। एंड उनका ऐसा कहना था कि देवेश, जब तक का तुम्हारा कन्फर्मेशन एक जगह से नहीं आ जाता है, यू ड्रॉप एंड लेटर बट टेक योर टाइम, कुछ एंड सिचुएशन में ऐसा ना हो कि दे आर नॉट गिविंग यू कन्फर्मेशन, सो चीज़ें फंसे ना, वी कैन डिनाई दैट। सो उनका अप्रूवल पेंडिंग था एंड मैनेजर्स के अप्रूवल्स पेंडिंग थे। सो एंड सिचुएशन में जब सब चीज़ कंफर्म हो गया तो देन ही मैंने उनको कॉल करके बताया मीट पे, देन ही अप्रूव्ड एंड मेरी सारी क्लियरेंस हो चुकी थी। मेरा सिर्फ लैपटॉप और ID कार्ड देना था, जो कि मैं पुणे में नहीं दिया, मुंबई के कैपजिमना ऑफिस में एरोली में आके सबमिट किया। सो एंड मोमेंट पे ये हुआ था कि लास्ट डे में मेरा सारा क्लियरेंस हो गया था एंड देन टीममेट्स ने मेरे लिए एक सरप्राइज सेलिब्रेशन रखा था, जो कि वीडियो प्ले होगी, आप सब अभी देख लेना। सो ये मेरे मोमेंट थे लास्ट के एंड मैंने स्पीच इन मीटिंग में दिया था, कुछ चीज़ें बताई टीम के बारे में, देन मेरा कैपजिमना के साथ जो मैंने 2.5 इयर्स स्पेंड किया, व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय टीममेट्स, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। गाइस प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करना एंड आप सबको अच्छा लगेगा वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर मेन लाइन, आपका जो पैशन है एंड जो चीज़ को काम करने के लिए आप थकते नहीं हो वो चीज़ करो। ऐसा काम मत करो जो काम करके आप थक जाते हो, बिकॉज अगर जो काम हम करके थक जाते हैं मतलब वो हमारा पैशन नहीं है, उस काम को हमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है। काम करने में तब मज़ा आता है जिस काम से इंसान थकता नहीं है, दैट वॉट इज़ आ पैशन। सो फॉलो योर पैशंस, फॉलो योर ड्रीम्स एंड या यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान, नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।